हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली जी के पॉइंट में। आज मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ महिला सुपरवाइज़र की जो एग्ज़ाम हुई थी आपकी 12 से 2 की शिफ्ट में 6 जनवरी 2019 को, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन, आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको 150 क्वेश्चन है आपके, इसमें तो 150 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था आपका इंग्लिश का, तो इसमें मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। दे हिम, पहला क्वेश्चन है दे रिक्त स्थान हिम यस्टरडे, इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 100। दूसरा है यहाँ पर टू फॉर्म ए न्यू वर्ड द प्रीफिक्स, यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करना है, इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, इसका आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में परिवर्तित करना है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेयर इजेंट ए वाइज मैन ऑनर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको चौथा क्वेश्चन, इसमें आपको आर्टिकल का यूज करना है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, तो इसमें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें आपको करना है करेक्ट नेगेटिव फॉर्म चेंज ऑफ मीनिंग, इसका मतलब यहाँ पर सी इज समटाइम क्लेवर, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर द रूल इज एप्लीकेबल रिक्त स्थान एवरीवन, इसमें आपको प्रपोजिशन यूज करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें आठ नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज करनी है, तो इसमें आपको पूछा है कौन सा इसमें सही है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एक्टिव में चेंज करना है, आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है, समवन हैज इन्वाइटेड मी टू पार्टी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी सेड विल यू कम विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चंपारण के किसानों का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया, इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पर किस देश को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रसिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था, इसमें हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आपका राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपके इसमें 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, तुर्की, ये आपका गलत बोल में आ गया था यहाँ पर, तो ये तुर्की आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया इस संधि के माध्यम से, इसमें होगा आपका पांडिचेरी 1754। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पीतरा ड्यूरा का प्रथम बार उपयोग किया गया, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, महाराजा तख्त सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन निरंजन संप्रदाय के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, संत निरंजन नाथ। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जयपुर का कौन सा शासक तीन मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था, इसमें आपका आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पर किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस्टर रेंड की हत्या से था, इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चापेकर बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर खालिस्तान सदस्यों ने यानी कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, इसमें हो जाएगा आपका 193 में ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट यहाँ पर 1889 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया, निम्न में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया, इसमें जो आपका आंसर है वो है रमाबाई रनाड़े, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, स्वामी विवेकानंद।
नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी है आपका गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गो प्लस एषणा। प्रभाव का वाच्य, नेक्स्ट यहाँ पर वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए कर्ता पर। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बैठा। नेक्स्ट यहाँ पर सच्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही, सत उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मुहावरे का आपको यूज करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाथ फैलाना, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा विलोम योग में सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सम्मुख और आमुख, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर अर्जुन के पर्यायवाची पूछे हैं आपसे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनंजय पार्थ कौंतेय गुणाकेश। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, इसमें आपको अशुद्धि ढूंढनी है, किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी यानी संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी कोई संतान ना हो, यहाँ पर वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बांझ, ये राइट आंसर है। विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द, यहाँ पर विस्पर का आपको हिंदी में अर्थ बताना है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कानाफूसी, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति ने महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो इसमें हो जाएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसका मैं आपको कमेंट बॉक्स में दोबारा से एक बार आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पर QR कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी 4 सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शक्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ष 2018 में राजस्थान IT दिवस कब से कब मनाया गया, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 19 मार्च से 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को यह भी कहते हैं, इसमें आपका थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको बाद में एक बार बता दूंगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नासा के मानव रहित लैंडर का क्या नाम है जिसे हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया है, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इनसाइट, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर किस कारण की वजह से समाक्षीय तार स्वर के प्रति कम ग्रह क्षम होते हैं, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर है बाहरी कंडक्टर। नेक्स्ट है यहाँ पर वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड करेक्टर में परिवर्तित करता है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिजिटाइजर। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में BLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था, इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए ULSI में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह राजस्थान पोर्टल जो राज्य के दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को डिजिटल सत्यापित करने की सुविधा देता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर राज ई बोल्ट। नेक्स्ट है राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 4 सितंबर 2018। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है, तो इसमें होगा आपका LAN में। नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है OCR। नेक्स्ट है यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नैनो कंप्यूटर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका बर्फ जल एवं ठोस के मध्य संबंध को दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट आपको इसमें दिया गया है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें आपको आंसर बता देता हूँ ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को रंगा जाता है, ये भी आपके यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट है यहाँ पर यह आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 36।
नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें होगा क्वेश्चन नंबर 55 में आपका ऑप्शन नंबर सी 1/50, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं आपको, इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी 3rd और 4th। नेक्स्ट है आपका सीरीज, सीरीज में आपको देखना है आगे का पद, ये बीच में आपको पद दिया गया है ये वाला ढूंढना है आपको, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन वाला ही, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 59, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 9 लीटर, 9 लीटर इस वो 7 लीटर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर कितने वर्षों में 1525 का 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17576 हो जाएगा, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 61 में ऑप्शन नंबर ए, 62 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 62 में। नेक्स्ट है यहाँ पर 63 मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आपका कन्फ्यूजन है थोड़ा, इसमें मैं अभी बाद में बता दूंगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देके। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ का ही है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25,000, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसमें, इसमें हो जाएगा 65 में होगा आपका 25%, राइट आंसर है 25%। नेक्स्ट है यहाँ पर 66, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी नहर सागर कुंड। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है, ये होगा आपका खेल से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करणी माता का संबंध चूहों से है। नेक्स्ट है निम्न में से कबीरराज श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है, वीर विनोद यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है, इसमें हो जाएगा आहड़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में घड़ेश्वर स्थल स्थित है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बागौर सभ्यता किस नदी किनारे पर अवस्थित है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोठारी नदी पर। नेक्स्ट है यहाँ पर बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी, इसमें हो जाएगा आपका मत्स्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है, इसमें होगा आपका श्रावण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पर धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलवर से। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पगड़ी। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मंडन। नेक्स्ट है यहाँ पर तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए नाथद्वारा। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राव माधो सिंह। नेक्स्ट है यहाँ पर राजविलास की रचना किसने लिखी थी, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हेम कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अल्लाह जलाई बाई। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पढ़हारी। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा युग्म गलत सम्मिलिखित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मल्लिनाथ जी गागरों। इसमें हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जंतर मंतर बेसाला। नेक्स्ट यहाँ पर दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में किस रथ में मिले थे, किस स्थल में मिले थे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आहाड़ में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छत्रियाँ अवस्थित हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंडोर।
नेक्स्ट नंबर निम्नलिखित में किसका लेखक बीरभान था, ऑप्शन नंबर डी राज रूपक का। नेक्स्ट यहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रतापगढ़। नेक्स्ट यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जाम्बोजी राइट आंसर। सर बी टी कृष्णमचारी किस राज्य के दीवान थे, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिपो दर में वृद्धि का प्रभाव होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता में कमी। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है, इसमें हो जाएगा जे एम कीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर बजट में राजस्व घाटा होता है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, राजस्व वाय इज ग्रेटर देन राजस्व प्राप्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है, इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व के ग्वार के कुल निर्यात में भारत के ग्वार के निर्यात का कितना हिस्सा है, इसमें हो जाएगा आपका 90% यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी 55.2%। नेक्स्ट है यहाँ पर राजस्थान के पहले मानव विकास प्रतिवेदन 2002 का मुख्य विषय था, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सतत विकास के साथ समावेशी वृद्धि। नेक्स्ट यहाँ पर भुगतान संतुलन के चालू खाते में भारतीय रुपये को कब पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1994। वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन हुआ है, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2017। नेक्स्ट यहाँ पर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विधवा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी का अपनी अक्ष के परते घूमना घूर्णन होता है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट है यहाँ पर वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, घर्षण बढ़ाने हेतु, ऑप्शन नंबर ए टमाटर सॉस में प्रयोग आने वाला संरक्षक हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट ऑप्शन नंबर डी। हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक करक्यूमिन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है यकृत द्वारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पर नायलॉन रेशे बने होते हैं तो पॉलिएस्टर बहुलक से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, CO अपचायक अभिकर्मक है। नेक्स्ट है यहाँ पर नीले रंग का खनिज लैपिस लाजुली जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, इसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है तो इसका मैं आंसर आपको बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चावल। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुवांशिकता रूपांतरित गोल्डन राइस का आविष्कार खाली स्थान की कमी से लड़ने के लिए किया गया, इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयरन विटामिन डी और विटामिन ए तीनों ही सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर हृदय में थैविशियन बाल्ब पाया जाता है, इसमें आपका आंसर होगा बाएं आलिंद में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इसमें गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प चुनिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसमें पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है हमको तो इसमें मैं आपको बाद में आंसर बता दूंगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर 116। निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरा शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन SCP की तरह प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए स्पाइरुलिना। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेंट्रिकल। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटी थ्रोम्बिन थर्ड और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किससे सुमलेखित है, तो विटामिन के इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुक का RNAT काउंट का उपयोग खालिस्तान की गणना के लिए किया जाता है, इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निकोटिनिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 121 नंबर का,
इसमें आपका होगा निम्नांकित में से कौन सा समूहन गलत है, इसमें हो जाएगा आपका सेन वाइल्ड वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका गलत है। पी सूप कोरा मुख्य किस शहर से संबंधित है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लंदन। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है, इसमें हो जाएगा आपका कलंब क्रीक, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले औसत लिंगानुपात 928 हैं, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 13। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है, इसमें आपका आंसर होगा मालवा पठार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 126 नंबर का, निम्नांकित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है, इसमें ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या का निवास है, इसमें हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम पूछी है यहाँ पर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशंस। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, वर्षा जल की पीएच 5.6 से कम। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया सफर संबंधित है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान के लिए, ये वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है यहाँ पर पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह है कोयला। नेक्स्ट राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है अलवर। राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है, यह आपका ऑप्शन नंबर ही सही है बांसवाड़ा। नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में आकलबुड़ फॉसिल पार्क स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर बेला डीला खान संबंधित है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी लोएस, यह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 136 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यह आपका COP24 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ है, इसमें हो जाएगा आपका पोलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है, इसमें हो जाएगा आपका असम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मंगला तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है, वह ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजातियाँ चोकला मगरा व नाली हैं, ऑप्शन नंबर बी भेड़ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलिखित नहीं है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यूराल पर्वत ब्राजील। नेक्स्ट है यहाँ पर जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का संवीक्षण विस्तार से, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए यहाँ पर आरक्षित रख सकती है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 200 राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर 2011। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से किस बाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेरुबाड़ी रूद बाद। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए कथन दिए गए हैं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। नेक्स्ट यहाँ पर मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, इसमें होगा आपका ब्योहार राम मनोहर सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संशोधन। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता दिया गया है, आपके जितने क्वेश्चन यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन रह रहे हैं तो उनका आंसर मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, उनके क्वेश्चन नंबर डाल के और उनका आंसर आपके लिए डाल दूंगा। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आप देख रहे हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम आपके लिए यहाँ पर महिला सुपरवाइज़र संबंधित जितने भी आपके अपडेट हैं वो हम आपके लिए यहाँ प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।